आज हम बैठे हैं जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में और यहाँ आताबिरा गांव की जो माएँ हैं, महिलाएं हैं, खासकर महिलाओं का पर्व है, जो माएँ हैं 36 घंटे से उपवास हैं और आज पो जुतिया मना रही हैं। पो जुतिया होता है हमारे पश्चिम उड़ीसा में बेटों के लिए एक लंबी उम्र की कामना करना और पूजा करके उन्हें एक पवित्र धागा हाथ में बांधते हैं, यही है पो जुतिया। पो का अर्थ होता है बेटा और जुतिया का अर्थ होता है जो धागा हाथ में बांधते हैं, वो पो जुतिया। इससे माएँ करीबन निर्जला उपवास 36 घंटे रखती हैं और उपवास रख के आज पूजा करती हैं। और आज हमारे साथ पंडित जी भी बैठे हैं, आइए चर्चा करते हैं पो जुतिया के ऊपर कि ये पूजा कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या किया जाता है, इसका पारंपरिक तौर तरीका क्या है, सब पर चर्चा करते हैं और देखते हैं पो जुतिया किस तरह से की जा रही है। नमस्कार, मैं संजय कुमार दास आताबिरा के, मैं पंडित हूँ। महिलाएं एक दिन तक ये उपवास करते हैं, पानी भी नहीं पीते, अपने पुत्रों के कल्याण के लिए, लंबे आयुष के लिए वो ये व्रत पालन करते हैं। जो इस व्रत में सूर्य का पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण का पूजा करते हैं, सूर्य पुत्र द्वितीय वाहन का पूजा करते हैं और इसमें 21 प्रकार के फल का प्रसाद लगता है। आज उपवास है और कल जो धूप मान दुर्बा अपने पुत्रों को मस्तक से लेकर पांव तक छुआते हैं उनकी लंबी आयु के लिए 7 बार। लोकल में इसको पो जुंतिया बोलते हैं। पो माने पुत्र, हाँ माँ ही व्रत करती है। ये दशहरा के माने आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी में उपवास करके नवमी में धूप को अपने पुत्र को लगाते हैं और ये आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी में ही होता है। माएँ जो उपवास रहती हैं कम से कम कितना घंटा का किया जाता है? लगभग 36 घंटा उपवास करने के बाद अपने पुत्र को धूप चढ़ाते हैं, वो उसके बाद उपवास अपना तोड़ते हैं। ये जो व्रत है ये 21 प्रकार का जो फल प्रसाद लगता है और जूही का जो वृक्ष बोलते हैं उसको पूजा करते हैं और गन्ने का पूजा करते हैं।